आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, बिजली ठीक करी है इसलिए वोट देना। नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं वे तुम हिंदू हो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू को वोट देना, तुम मुसलमान हो हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान को वोट देना, तुम ठाकुर हो तुम बनिए हो तुम ये हो पंडित हो तुम ये हो मैं हम भी ये हमारी पार्टी इसकी हमारी पार्टी, इसी बात पे तो वोट मांगते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं। आज तक किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खड़ी होके ये कह दे कि भाई हमने काम करा है, काम के नाम पे वोट देना, स्कूल के नाम पे वोट देना, अस्पताल के नाम पे वोट देना। कोरोना की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से हमारे देश के अंदर हर शहर में हर गांव में कोरोना की वजह से बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से शांत तरीके से संयम से और सबको साथ लेके बिना राजनीति किए सारी संस्थाओं को सारे संगठनों को सारे लोगों को हर तबके को सारी सरकारों को साथ लेके दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट किया गया उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बता दूं, दिल्ली में जो कोरोना की महामारी थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन था, दुनिया दिल्ली की परिस्थिति सबसे ज्यादा कठिन थी। 11 नवंबर को दिल्ली में 8,500 केस आए एक दिन में, केवल एक दिन में 8,500 केस आए। पूरी दुनिया के अंदर किसी शहर में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए। न्यूयॉर्क में अप्रैल में एक दिन में 6,300 केस आए थे, दिल्ली में 8,500, सोच सकते हो कितने ज्यादा। लेकिन जब न्यूयॉर्क में 6,300 केस आए तो न्यूयॉर्क के सारे अस्पताल फुल, सड़कों पे मरीज, अस्पताल के कॉरिडोर में मरीज पड़े हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे, बुरा हाल था चारों तरफ। लेकिन दिल्ली में जब 8,500 केस आए उस दिन भी हमारे 7,000 अस्पतालों के अंदर बेड खाली पड़े हुए थे, कोई सड़कों पे मरीज नहीं थे, कोई कॉरिडोर में मरीज नहीं थे। इतना शानदार मैनेजमेंट हमारे डॉक्टर्स ने और हमारे सब लोगों ने मिलकर किया। पिछले 5 साल के मेरे अनुभव ने ये दिखाया है कि अगर 5 साल के अंदर हम लोग ये सब कर सकते थे तो ये 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके भी कर सकते थे। इसका मतलब अपने को जानबूझ के देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के अपने देश को गरीब रखा गया, जानबूझ के अपने देश को अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके, मोस्टली तो इन दोनों पार्टियों ने 70 साल में कभी ये कभी वो, एक बार तुम एक बार हम यही चलाया, जानबूझ के इन लोगों ने किया। और आजकल एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको याद दिलाती है सन 1200 में ये हुआ था, सन 1300 में ये हुआ था, सन 1400 में ये हुआ था। वो ये नहीं बताती 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, वो ये नहीं बताती 22वीं सदी का भारत कैसा होगा। वो कहती है 1200 में, सन 1200 में ये हुआ था, इसका बदला लेंगे अब, सन 1300 में ये हुआ। देश को अब तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे जाना है। इन पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, इनको ये नहीं पता आगे करना क्या है, इसलिए पीछे वाली चीजों में हमें उलझाए रहते हैं, इनकी नीयत खराब है। पूर्वा एजेंसी सोनपाड़ा, हाउस कीपिंग और हाउस क्लीनिंग वस्तुओं के सबसे रियायती विक्रेता, यहाँ उपलब्ध हैं होलसेल और रिटेल में साफ सफाई और कीटाणु नाश करने वाली सभी वस्तुएं और साजो सामान, जैसे ब्रांडेड कंपनी के क्लीनिंग रसायन, सोप और डिटर्जेंट, डस्टबिन, छोटे बड़े मॉप्स और झाड़ू, किचन नैपकिन्स और फ्लोर डस्टर्स, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की अनेक वस्तुएं, रोज उपयोग होने वाले अनेक उपकरण,
अब पाएं 25% तक का स्पेशल डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी। घर हो या सोसाइटी, ऑफिस हो या दुकान, क्लीनिंग के लिए जरूरी हैं पूर्वा एजेंसी के सामान। आपका समाधान, यही हमारा फायदा। पूर्वा एजेंसी, सनपड़ा।